ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस फाइनली मतलब ये जो अभी आप मैप देख रहे हो, स्नो मैप, ठीक है, ये 3 साल पहले मतलब 2018 के आसपास का टाइम था। उसके बाद से यहाँ पे जितने भी ओल्ड प्लेयर थे फ्री फायर के, सभी वेट कर रहे थे ग्रेना स्नो मैप को लाएगा लाएगा, लेकिन फाइनली अभी आ चुका है, मतलब इस टाइम आने वाला है। अब आप बोलोगे फैक्टो ये स्नो मैप क्या है, आप में से जितने न्यू बंदे हो, देखो यहाँ पे सीन ये है, स्नो मैप मतलब भाई स्नो ही स्नो, मतलब बर्फ ही बर्फ, ठीक है, स्नो को आप बर्फ भी कह सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे अलग सा ही फीलिंग है, एंड जितने भी ओल्ड प्लेयर है भाई उसके लिए तो मतलब एक यादें, मतलब एक कहते हैं भाई एक जो होती है ना यादें, पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरी, ठीक है, वो चीज़ याद आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है। जितने भी ओल्ड फ्री फायर प्लेयर है उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गरेना ने मतलब ये एक अच्छा खासा मतलब मैप को यहाँ पे कमबैक किया है। मे भी मुझे मुझे लग रहा है कि गरेना उतना कोई खास तो यहाँ पे नहीं लाने वाला, लेकिन यहाँ पे अगर लाता है गरेना एकदम अच्छे से हर चीज़ स्नो मतलब जैसा अभी दिख रहा है ऐसे पूरी मैप को करता तो भाई अलग ही सीन होते, और जितने भी ओल्ड प्लेयर उनको भी अच्छा लगता, फ्री फायर खेलने में भी अच्छा लगता, तो भाई ये चीज़ होना चाहिए था, ठीक है। अब जितनी भी न्यू प्लेयर हो मैं वो भी उनके लिए भी बता रहा हूँ, भाई आपको भी अच्छा लगेगा। रीजन यहाँ आप बोलोगे फैक्टर क्यों अच्छा लगेगा, देखो आपको यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा, मतलब आप मैप खेल लो बर्फ पे खेल लो। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे अपने को मतलब आवाज़ में थोड़ा चेंजिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज एकदम गला बैठा हुआ है, बट इसको इग्नोर करते हैं। अब लोगों के फैक्टो यहाँ पे सीन क्या, मतलब ऐसा क्यों न्यू प्लेयर को क्यों अच्छा लगने वाला है, तो इसका सवाल आंसर मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे घास वाले मैप खेलोगे, लेकिन ये बर्फ़ वाला मैप है, ऐसे अपने रियल लाइफ में बर्फ़ वाली जगह पे हो सकता है मे बी अब में से कई बंदे गए भी होंगे कहीं नहीं गए होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप फ्री फायर में खेलोगे बर्फ पे खेलोगे, काफ़ी यूनिक चीज़ लगने वाला है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जो लुक दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे अभी अवेलेबल है एडवांस सर्वर में, लेकिन ये जस्ट अपडेट के बाद आपको अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे बैड पॉइंट लगा, रीजन है कि एक पैलेस को ही बर्फ किया गया है। अब देखो गरेना पूरा नहीं किया होगा, हो सकता है मे बी यहाँ पे अपडेट के बाद पूरा मैप हो। अब देखो अगर फैक्टो बोलोगे फैक्टो ये मतलब मैप है तो हमारा बेनिफिट क्या है, देखो आपका बेनिफिट भी है। रीजन क्या है कि ये जो स्नो आएगा, स्नो ये एक इवेंट के रूप में आएगा, इवेंट आएगा उसी टाइम, मतलब आपको मैप भी देखने को मिलेगा और इवेंट रहेगा, कुछ फ्री के रिवॉर्ड भी मिलेंगे अलग अलग, तो समझ जाओ भाई बहुत प्रॉफिट है। बाकी के आप में से जितने ओल्ड प्लेयर हो उनको तो भाई अलग सीन है। देखो यहाँ पे पूरी मैप मैंने देखा है, ये बरमुडा रीमास्टर का मैप था, उसके बाद यहाँ पे जो समुराई गार्डन था ना भाई उसको गरेना वालों ने बर्फ किया है, ठीक है, बाकी कहीं पे तो मैंने देखा नहीं है। मे बी यहाँ पे अपडेट के बाद हर जगह रखा जाए, ये मुझे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन समुराई गार्डन रहेगा, बरमुडा रिमास्टर का समुराई गार्डन रहेगा अपडेट के बाद भी, तो एकदम बर्फ वाला सीन होने वाला है। और यहाँ पे गरेना को और भी बेटर करना चाहिए बर्फ वाला, क्योंकि यूनिक अगर गरेना बनाता है इससे गरेना को भी दो बेनिफिट है। रीजन क्या है, ओल्ड प्लेयर की यादें, मतलब ओल्ड प्लेयर और भी इंटरेस्टेड हो जाएगा फ्री फायर में, एंड भाई इमोट देखो बर्फ वाला, मतलब बर्फ समझ जाओ बड़े वाले मैप में, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे न्यू प्लेयर, भाई न्यू प्लेयर के लिए भी एक यादें रह जाएगा इन फ्यूचर, अगर ये मैप फिर नेक्स्ट ईयर आता है, फिर 2 साल बाद आता है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए फ्री फायर में, कि वरना यहाँ पे भाई फ्री फायर में मतलब नया अगर कुछ होता है तो इसमें मतलब एंगेजमेंट अच्छे होते हैं, एंड प्लेयर को भी अच्छा लगता है। एक घास मतलब अलग अलग होना चाहिए, मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होना चाहिए, ऐसा बड़ा होना चाहिए, यूनिक यूनिक चीज़ होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि फ्री फायर में क्या फ्री फायर चेंजिंग करे जो फ्री फायर बेटर हो, मतलब प्लेयर के लिए बेटर हो, देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है। एंड मैं भी यहाँ पे ये मैप आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं से बंदो पूछोगे फैक्टो ये तो बता दो भाई हम देखेंगे कब इस मैप को, तो देखो यहाँ पे OB31, ठीक है, उसका अपडेट आएगा, अपडेट करोगे उसके बाद अगर मैप एंट्री नहीं होता ये मैप, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा और आपको वेट करना होगा, और ये स्नो इवेंट अवेलेबल होगा, इवेंट टाइम ही गरेना अनाउंस कर देगा स्नो मैप का, देन यहाँ पे आप स्नो मैप देख पाओगे और भाई नहीं खेल पाओगे, लेकिन पूरा मैप हो तो भाई अलग सीन है। मुझे तो लगता है भाई गरेना ने जितना दिखाया उतना ही रहने वाला है, बट पूरा मैप हो तो इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।